हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसका नोटिफिकेशन 21/7/2018 को आ गया था, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पोस्टपोन्ड कर दिए गए थे। लेकिन अब जो एसएससी जीडी के एप्लीकेशन है, फॉर्म है, वो 17 तारीख से फिर से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है वो 17 सितंबर है। तो जो एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम होता है वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट होता है और ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। इसके अंदर जीडी के जो जीडी की पोस्ट होती है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और एनआईए, एसएसएफ और राइफल जीडी और आसाम राइफल्स के अंदर होती है कांस्टेबल के रूप में। और इसके नोटिफिकेशन में जो है वो पहले कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसकी लैंग्वेज आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। उसके बाद में इसका फिजिकल होगा और फिर फिजिकल के बाद में लास्ट में मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो देखो, इसका जो पे स्केल है वो बहुत अच्छा है, 21,700 से 69,000 तक है। और ये इसकी वैकेंसी डिटेल है, जो मेल्स की है वो 47,307 है और फीमेल्स की है वो 7,646 पोस्ट है। टोटल मिला के 54,953 पोस्ट है। और इसकी जो एज लिमिट दी है वो 18 से 23 दी गई है और ये जो एज है वो आपकी काउंट होगी 2/8/1995 से, यानी 2/8/1995 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ हो और 1/8/2000 के बाद में नहीं हुआ हो। और ये एज रिलैक्सेशन जो मिलता है SC/ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर का। उसके बाद में बात करते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी, तो इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास है, यानी जो स्टूडेंट 10th पास हैं और उनकी जो एज है वो 18 साल हो गई है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से 10th की एग्जाम पास की हो। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और इसकी एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपये दी हुई है। फिर बात करते हैं एग्जाम सेंटर की। ये कुछ एग्जाम सेंटर है जो आप देख लेना कि जो आपके एकदम नियरेस्ट हो, वो एग्जाम सेंटर आप फॉर्म फिल करते समय उसको भर देना। उसके बाद में इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसकी बात करते हैं। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे और 4 पार्टों में डिवाइडेड होगा। जो पहला पार्ट होगा वो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का होगा, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही मार्क्स के होंगे। और बी पार्ट होगा वो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का होगा, उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। सी पार्ट होगा वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। जो ये डी पार्ट है उसमें इंग्लिश और हिंदी दो दिया हुआ है। तो ये आप जब एग्जाम सेंटर पे अपना वो एक ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए कंप्यूटर पे बैठोगे तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, जिनमें से आप, अगर आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छी है तो आप इंग्लिश चूज कर लेना, अदरवाइज अगर आपकी हिंदी की तैयारी है तो आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो उस लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, यानी जो 100 मार्क्स का पेपर है वो 90 मिनट का होगा। और इसकी जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाती है,
और इस बार जो वैकेंसी है वो भी 2-3 साल बाद आई है, तो फॉरम जरूर अप्लाई कर देना, ऐसा मौका फिर से नहीं आएगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आरपीएफ की कर रहे हो, कांस्टेबल या एसआई या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है अगर आप आरपीएफ, कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि इसमें जो ऊपर के 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला, वो सेम ही पार्ट आपको आरपीएफ में भी वही क्वेश्चन मिलेंगे, वही सिलेबस रहेगा। दूसरा पार्ट जो जनरल नॉलेज का है, उसके भी सेम वही क्वेश्चन होंगे और वही सिलेबस रहेगा। तीसरा पार्ट मैथमेटिक्स, तो आरपीएफ में भी उसी लेवल की आएगी और इसमें भी उसी लेवल की आती है। बस इसमें जो फोर्थ पार्ट है इंग्लिश और हिंदी, यही आरपीएफ कांस्टेबल से अलग है। तो इसमें आपको ये तो लैंग्वेज बेस्ट है, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में करके आ जाओगे। इसमें से आप अगर आपके 25 में से 10-15 नंबर भी आ रहे हैं तो आपके आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अगर हिंदी इंग्लिश में से। बाकी जो ये 3 पार्ट हैं उसकी तो आपकी तैयारी चल ही रही है, अगर आप आरपीएफ की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा ये फॉर्म अप्लाई करना। क्योंकि बाई चांस अगर आपका आरपीएफ, कांस्टेबल या एसआई में नहीं हो पाता है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन रहेगा जो कि आप इसमें से किसी भी जो कांस्टेबल की है। और ये फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट के बारे में दे रखा है, इसमें जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको उनकी रेस होगी 5 किलोमीटर की, जो कि 24 मिनट्स में पूरी करनी पड़ेगी, और जो फीमेल की है वो 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की होगी, जो 8.5 मिनट में कवर करनी पड़ेगी। इसमें जो फिजिकल के मार्क्स हैं, पॉइंट है, वो नहीं होते, चाहे आप 5 किलोमीटर की रेस 20 मिनट में पूरी करो या 22 मिनट में पूरी करो या फिर 24 मिनट्स में, बस आपको ये रेस 24 मिनट से पहले कवर करनी है। उसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है जनरल एससी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, हाइट जो मेल्स की है वो 170 सेंटीमीटर दे रखी है और फीमेल के लिए 157। बाकी आप और देख लेना नोटिफिकेशन में। और ये जो एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट 162.5 मेल के लिए और 150 फीमेल के लिए। बाकी ये चेस्ट दे रखी है जनरल एससी ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 80 बिना फुलाए और 85 फुलाने के बाद, और यही एसटी कैंडिडेट के लिए दे रखी है 76 बिना फुलाए और फुलाने के बाद 81। उसके बाद में ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है, तो मैं आपको मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल के बारे में इसका पूरा वीडियो बना के मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन का निशान है वो जरूर प्रेस कर दे। ये इसमें ई साइट होती है जो मेडिकल में होता है, उसकी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा जब मैं आरपीएफ एसआई के फिजिकल और मेडिकल के वीडियो बनाऊंगा तब। उसके बाद में ये और जो नोटिफिकेशन है वो आप देख लेना, बाकी तो इसमें और कोई चीज़ नहीं है। मैंने आपको एग्ज़ाम के बारे में बता ही दिया है, एग्ज़ाम इसमें पहले एग्ज़ाम होगा उसके बाद में। ओ हाँ, एक ये भी मेन पॉइंट है, जो कट ऑफ मार्क्स हैं
वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के इसमें एलिजिबिलिटी दे रखी है कि जो जनरल और एक्स सर्विसमैन है उनको 35% नंबर लाने, यानी 100 में से उनके 35% यानी 35 नंबर तो होने ही चाहिए, चाहे कट ऑफ कितनी भी कम जाए या ज़्यादा जाए। अगर आपके 35% से कम है तो आप क्वालिफाई नहीं होगे। और एससी एसटी ओबीसी के लिए 33% मार्क्स चाहिए। ये पहले नहीं था, इसी बार नोटिफिकेशन में ऐड किया है इसको। तो आप अच्छे से तैयारी करें। बाकी जो भी इसका स्टडी मटेरियल है या फिर आपको कोई भी डाउट है वो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिल जाएगा आपको। और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो स्टडी से रिलेटेड। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे बने रहते हो तो मैं आरपीएफ के अभी कुछ और नए वीडियोज इंडियन जीके हुआ